गाइज़ वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सीन। यहाँ पर डच लीग का मैच हो रहा है भाई, वॉलेंडेम वर्सेस फेयरनूट के बीच 10:15 बजे। एंड बात करें, यह है मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइज़ हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है, सो बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों बात करें अगर हम इस मैच की, तो मैं आपको बता दूँ कि वॉलेंडेम और फेयरनूट में मैं फेवर करूँगा FEY को। FEY इस सीज़न कर चुकी है 70 गोल और अभी भी चल रहा है पूरा टूर्नामेंट, और उस 70 गोल में इस टीम की रैंकिंग टॉप 3 में दूसरे नंबर पर है और वॉलेंडेम इनसे बहुत पीछे है। मतलब आप लगाओ हिसाब तो आप परेशान हो जाओगे, इतना पीछे। इसलिए मैं FEY को सिंगल साइड फेवर करूंगा और यहाँ पर FEY एक तगड़ी जीत जीत सकती है। बस मैं आपको गिने चुने ढंग के प्लेयर बता देता हूँ, क्योंकि जो मैं एनालाइज़ कर रहा था, जो मेरे पसंद में आए, जो मेरे को दिखे अच्छे आज के मैच के लिए, इस वेन्यू के लिए, तो मैं उनका नाम लूँगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो स्ट्राइकिंग की अगर बात करूँ, स्ट्राइकिंग सेक्शन में एस जिमेनेज एक बहुत अमेजिंग प्लेयर है। सैंटियागो जिमेनेज एक बहुत, मतलब आप ये लगा लो किसी भी टीम के अगेंस्ट ये चल सकता है। जब FEY के अनदर लीग में गोल मैचेस हो रहे थे, तो फिर भी इस बंदे ने काफ़ी कुछ अच्छा किया था, और जब इंटरनेशनल मैच हुए थे तब भी इसका नाम इंटरनेशनल में आया था एक अच्छे प्लेयर के तौर पे। मैंने इसको ट्राई भी किया था, बट ये खेला बहुत लिमिटेड मैचेस था, लेकिन डोमेस्टिक में तो ये किंग है भाई, इसलिए मैं इसको लूँगा। और आगे से अगर मैं बात करूँ, तो देखिए वाई मिंटे का तो मेरे को पता नहीं खेलेगा कि नहीं, लेकिन मैं आपकी एक मदद ज़रूर कर सकता हूँ। मैं आपको एक प्लेयर बता रहा हूँ, उसको मत छोड़ना, इसका नाम है आई पिक्साओ। एक्चुअली इस वक्त अगर कोई बंदा जो इनफॉर्म है, तो वो इकलौता ये खिलाड़ी है। मतलब देखो ना, बाकी तो आप किसी को भी ले लोगे। आपको पता है इवन शुक गोल करता है, ज़रोकी अच्छे पॉइंट देता है, सीज टैंक गोल करने में माहिर है, वेफर अच्छा है, टिम्बर अच्छा है, लेकिन फिर आप वाई मिंटे को अगर लोगे तो फिर आप उनको नहीं ले पाओगे। इसलिए वाई मिंटे को अभी के लिए आप ड्रॉप आउट रखो, लास्ट में अगर हमने लेना होगा ले लेना। अभी के लिए मैं तो कहूँगा ड्रॉप आउट रखो, लाइनअप्स तक रुक जाओ, क्योंकि अभी हमें भी नहीं पता कि लाइनअप्स में किन प्लेयरों को भेजने वाले हैं। क्योंकि मैं तो क्यों टिम्बर को तो लूँगा, टिम्बर के बाद में दो प्लेयर में बहुत कन्फ्यूज हूँ। अगर इवन शुक खेला तो आँख बंद करके उठा लेना, नहीं खेला तो वीफर को ले लेना, क्योंकि आजकल वीफर पहले जो खेलता था ये सिर्फ देता था पॉइंट टैकल इंस्क्रिप्शन, लेकिन आज ये बंदा असिस्ट गोल में भी माहिर हो रहा है। और मैं स्ट्राइकिंग की बात करूं, तो मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर लूँगा आर मुरेन को, वी समेडो को तो मैं अभी इसके पक्ष में अभी हूँ नहीं। एक्चुअली फिर लेना है तो फिर आपको मुरेन छोड़ के समेडो मिल सकता है। मैं दोनों को लेने की राय तो आपको बिल्कुल नहीं दूंगा, साफ बता दूं भाई, ठीक है। इन दोनों में से एक प्लेयर को उठाओ, समेडो को सेव करना ऐसे कर लो, मुरेन को करना ऐसे कर लो, दोनों में कंपैरिजन करोगे तो बराबर ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मिडफील्डिंग की बात करें, तो यहाँ पर बी और चेक को तो मैं हमेशा लेता हूँ, और MD हैन की जगह आप और भी प्लेयर ले सकते हो, लाइक जेड बूथ भी अच्छा लगता था हमें, तो जेड बूथ को मैं तो लूँगा। देखो मैं तो प्रेफर बूथ ही कर रहा हूँ, क्योंकि MD हैन तो मैंने अभी पहले भी नहीं कभी ट्राई किया, तो आज कैसे कर लूँ। एंड बात करें डिफेंडिंग की, तो यहाँ पर है एल ग्रिट्रोएडा, उसके बाद हैंको के बाद हार्टमैन। भाई मैं 4 डिफेंडर किसी के साथ नहीं जा रहा 4 डिफेंडिंग में, क्योंकि जो मेरे को 3 प्लेयर मेन चाहिए थे वो तो भाई ऊपर ही मेरे को मिल गए, और यही एनालाइजमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे। और FEY अपनी डिफेंडिंग के लिए जानी जाती है, इनके चारों डिफेंडर बहुत टॉप क्लास खेलते हैं, ऐसा कोई मैंने सुना है। एंड बात करें अगर गोलकीपिंग की, तो यहाँ पर है एम बेकॉस के साथ जाऊँगा, पहले भी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेल चुका है, इनके अगेंस्ट भी, तो अच्छा प्रदर्शन रहा था। एंड बात करें कैप्टन की, कैप्टन है यहाँ पर मेरा एस जिमेनेज, वाइस कैप्टन है पिक्साओ, और अगर जिमेनेज नहीं खेलता तो आप जिमेनेज की जगह दूसरा स्ट्राइकर लेके अपना कैप्टन पिक्साओ को कर देना और वाइस कैप्टन टिम्बर को। मतलब बहुत ऑप्शन है आपके, कोई डरने वाली बात नहीं, जैकपॉट मैच है, अगर जैकपॉट है तो अनेक ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।